तो यूनिट सेटिंग डालना। सबसे पहला जो यूनिट है तो ये लिखना, डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसका जो यूनिट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मीटर। सेकेंड जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर स्पीड, ये रहेगा सबसे पहले मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिखते कैसे हैं, मीटर पर सेकेंड लिखते, इसको हम एम लिखते हैं। थर्ड है एक्सिलरेशन, चलो कैमरा ऑन करना, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या रहने वाला है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर चल। फिर फोर्थ लिखना, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम, देखो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, सबसे पहले यूनिट को रटो मत, सिंपल है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी है फॉर्मूला। तो मास आप किस में मेजर करते हो, मास ग्राम ग्राम किलोग्राम में, और वेलोसिटी को किस में मेजर करते हो, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, केजी मीटर अपॉन सेकंड रहेगा। सीजीएस यूनिट हम लोग इसके साइड में ही करेंगे, तो पहले ये लिखना। फिफ्थ जो है दैट इज कॉल्ड एज फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट इज न्यूटन, जिसको आप कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हो। सिक्स्थ इज वर्क कॉमा एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी का जो भी यूनिट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जूल, एंड इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप ये समझा रहेगा फॉर्मूला कैसे आया। वैसे जूल को आप कैसे लिख सकते हो, जूल इज वर्क डन, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इज मीटर, तो इसको न्यूटन इनटू मीटर भी लिख, ये भी पता रहना चाहिए। सेवेंथ, ये वर्क एनर्जी हो गया। फोर्स को समझा नहीं कैसे है। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो मास को आप केजी में मेजर करते हो, एक्सेलरेशन क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना, समझ रहे हैं। अगर जूल की जगह हाँ न्यूटन इंटू मीटर लिखा तो भी चलेगा ना। चलेगा, लेकिन एसआई यूनिट क्या है, जिया जूल है, ये याद रखो। लिखते नहीं कोई, अभी आप सम सॉल्व करोगे ना, आप न्यूटन मीटर नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली जूल लिखोगे उसमें, ठीक है। फिर सेवेंथ इज वर्क एनर्जी हो गया। फिर आता है पावर, पावर का जो एसआई यूनिट इज, तो इससे आपके सारे यूनिट्स एक ही पेज में जो भी है कवर अप हो जाएंगे। व्हाट इज बेसिकली जूल पर सेकेंड, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। वर्क डन को आप जूल में मेजर करते हो, टाइम को आप सेकेंड में मेजर करते हो, ठीक है। चलो ये पार्ट हो गया, ये तो सारे क्या हो गए, एसआई यूनिट्स हो गए। अब हम लोग करेंगे इसके सीजीएस यूनिट्स। आई होप सीजीएस का आपको फुल फॉर्म पता हो, सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इधर मीटर था, तो यहां पे क्या रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर वैसे यहां पे यूनिट क्या रहेगा, वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड।
टाइम को आपको सेकंड में मेजर करोगे, इधर आएगा सेंटीमीटर, यहां पे इसको लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो मीटर है इसको कैसे लिखोगे आप? सेंटीमीटर। एंड जो सेकंड है उसको कैसे लिखोगे? सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। मोमेंटम केजी को किसमें लिखोगे आप? ग्राम। ग्राम। मीटर को किसमें लिखोगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वो जरा समझ लेना है, सेंटीमीटर है। एंड सेकंड के बदले क्या आएगा? सेकंड ही आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे? जी इंटू सेंटीमीटर अपॉन क्या आएगा? सेकंड। फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लिखते हैं? डाइन। ये बोलना मत है, डाइन बोलते। जूल का सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग बोलते। याद रखना वर्क एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट अर्ग रहेगा, ठीक है। अब पावर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, तो पावर का इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है, जैसे कि इंजन्स का पावर मेजर करने तो हम लोग क्या यूज करते हॉर्स पावर। ये याद रखना, 1 horsepower 746 watts रहता है। वैसे 1 newton दिस इज वर्क डन का है ना, वर्क एनर्जी का है बराबर उसका ही। 10^7 डाइन है। 1 अर्ग मतलब 1 joule कितना अर्ग था पता है किसी को? मेबी 10^5 ठीक है, 10^5 जस्ट एक सेकंड, मैं जस्ट चेक करके आपको कंफर्म करके बताता हूँ। इट इज आई गेस 10^5 रहना चाहिए। 1 second दिया है क्या सर? 10^7 है। 7 है और ये क्या दिया? डाइन का कितना दिया? तो डाइन 10^5 रहेगा। डाइन 10^5 है, जस्ट वो करेक्ट है ना सर? यहाँ पर 1 HP मतलब क्या? हॉर्स पावर ये 10^5 रहेगा। और जो कन्वर्जन मैंने बताया था, मेरे को तभी याद आया था, न्यूटन को 10^5, मीटर को सेंटीमीटर में 10^2 लिखते हैं। फिर ये इंडस्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज के बाद कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल में आप क्या यूज करते हो? कमर्शियल में आप यूज करते हो 1 kilowatt hour, इसको हम में ना 1 unit भी बोलते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में ना यूनिट्स लिखा रहता है कि कितना यूनिट्स आपने ये मंथ कंज्यूम किया, तो वो मालूम। प्रिंस कैमरा ऑन करना। तो ये दोनों पावर का ही है ना? हाँ पावर का यूनिट है। ये जो नीचे का जो लिखा है ना, ये पावर का है, ये पावर का यूनिट है, एंड ये एनर्जी का। श्रेया जरा कैमरा चालू करना। तो ये जस्ट लिख के रखना पूरा सर। बोलो कमर्शियल 1 kWh का मींस फुल फॉर्म किलोवाट आवर। तो ये हम लोग का सारा जो यूनिट्स है ये कवर अप करता है। एक और एक यूनिट है लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, इसलिए मैं कवर अप नहीं कर रहा। फिर जो इंपॉर्टेंट है वर्क पावर में, तो ये वर्क पावर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करेंगे। तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला, रिया कैमरा ऑन करना। वर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का कितना केसेस है? 3 केस है। तो सबसे पहले वर्क डन
पॉजिटिव रहता है, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल रहेगा, ठीक है, थीटा रहेगा, ये कितना रहेगा, 0 डिग्री। फिर केस टू, केस टू क्या रहेगा, वर्क डन नेगेटिव रहेगा। अब वर्क डन इधर जस्ट लिखना, ये नीचे का पार्ट फोर्स है, ऊपर का पार्ट डिस्प्लेसमेंट, DISP लिख। अब यहां पे फोर्स इस तरफ है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल है ये क्या रहेगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लिखना, इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। फिर केस थ्री, ये लिखना, वर्क डन जीरो रहता है, तो वर्क डन जीरो कब रहेगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसका एग्जाम्पल लिखना, ग्रेविटेशन फोर्स, एंड ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स बस एग्जाम्पल, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है कि टेक्स्ट बुक में। इधर तक लिख लिया सबका, बोलो क्या हो गया सर, फोर्स वाले तो एग्जांपल क्या है, फोर्स वाले में कोई भी नॉर्मल चीज को खींचो, पुलिंग पुशिंग ये सब फोर्सेस एग्जांपल में, सब एग्जांपल आपको दिया भी है तो वीडियो से गो थ्रू करना। फिर नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉज रिलेटेड, ठीक है, न्यूटन लॉ से रिलेटेड जो भी, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में किसके बारे में बात किया जाता है, इनर्शिया के बारे में, ये याद रखना, फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बात करता है, और इनर्शिया का मतलब क्या है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी to move on its own, ये जस्ट लिखना, इसमें किसके बारे में बात करते, अगर बॉडी में रहेगा अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो क्या होएगा, क्या होएगा, बॉडी मूव होएगा, परफेक्ट, बॉडी मूव होता है, एंड बैलेंस्ड फोर्स रहेगा तो क्या होएगा, बॉडी रेस्ट पे रहता है, रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, बॉडी रेस्ट में रहेगा और एल्स यूनिफॉर्म मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट है, फिर और कुछ इसमें है क्या, नहीं इतना काफी है, फर्स्ट लॉ में इनर्शिया। अब सेकंड लॉ, सेकंड लॉ किसको रिलेट करता है, मोमेंटम को रिलेट करता है, ये लिखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Change in momentum upon time. Change in momentum upon time.
बुधवार क्या लिखा है, बुधवार बताओ जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन अप को तभी बताया था। Directly proportional, ये ज़्यादा ऐसा लिखो, force पूरा लिखना, F-O-R-C-E, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं तो ये याद रखना, नहीं ये बस इतना ही लिखो, इतना काफी है। फिर जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर को रिलेट करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स लिखना, फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब फर्स्ट बॉडी जो फोर्स अप्लाई करेगा, फर्स्ट बॉडी विच अप्लाइज फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा फोर्स, एक्शन फोर्स बोलेंगे। एंड सेकेंड बॉडी क्या रहेगा, सेकेंड बॉडी विच अप्लाइज फोर्स को हम कैसा फोर्स बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। याद रखना थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन वाला बताता है। फर्स्ट लॉ में ना जस्ट एग्जांपल्स लिखना, फर्स्ट लॉ में एग्जांपल्स यू कैन राइट, क्या एग्जांपल लिख सकते हो, टग ऑफ वॉर, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, कोलिजन लिख सकते हो, कोलिजन। एंड एक्शन रिएक्शन पेयर में आप क्या लिख सकते हो, बॉल बाउंसिंग ऑन फ्लोर, एंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल लिख सकते हो, रॉकेट बीइंग फायर्ड अबव, या फिर रॉकेट फायरिंग लिखना, रॉकेट फायरिंग। ये हर एक का एग्जाम्पल भी कवर अप जरूर हो जाता है। नेक्स्ट लिखना, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड हो गया, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एनर्जी रिलेटेड। हेलो सर, वो लास्ट वाला स्लाइड एक बार दिखाओ क्या। हाँ। फिर एनर्जी लिखना, तो सबसे पहले लिखना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कब फॉर्म होएगा, तो लिखना ऑब्जेक्ट इन मोशन के लिए होएगा, ऑब्जेक्ट इन, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम पी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, इट इज mgh। ये सब है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखना, एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व,
एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स. तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लिखना, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, पॉइंट ए में. तो ये पॉइंट ए में क्या रहेगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. तो हाईएस्ट पॉइंट में बस क्या रहने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. अब यहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. व्हाई? बिकॉज आवर वेलोसिटी इज जीरो. फिर मिडल पार्ट में, मिडल पार्ट में क्या होएगा, सम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी सम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में होएगा, काइनेटिक एनर्जी. और इसका रीजन क्या है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, क्या रीजन रहेगा इसका, हाइट डिक्रीज होता है. वेरी गुड, हाइट डिक्रीज होता है. पर बीम में क्या सम पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी. और सबसे नीचे के पॉइंट पे, सबसे नीचे के पॉइंट पे क्या होएगा, सबसे पहले यहां पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. क्या रीजन रहेगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहने का, क्योंकि हाइट जीरो है, हाइट नहीं है, हाइट जीरो है. ठीक है, एमजीएच के फॉर्मूला में एच का वैल्यू जीरो पुट अप करोगे तो एम इंटू जी इंटू जीरो विल बी जीरो. यहां पे क्या रहेगा, पूरा जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, बोलिए आप, यहां पे आप लिख सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा ऑब्जेक्ट को, एंड सबसे ऊपर के पॉइंट पे आप लिखोगे मैक्सिमम हाइट रहेगा. और एक चीज याद रखना, g का वैल्यू कितना रहता है, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कब प्लस लुक क्योंगे, जब स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है. आप बताओ ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे रिलीज करेंगे तो उसका स्पीड इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा, इंक्रीज होएगा. आप ऊपर से नीचे गिरते हो तो आप स्लोली गिरोगे क्या, लास्ट में नीचे आने के बाद, नहीं ना? No. हाँ सर, कोई तो बोल रहा है, शाबाश. फिर ये लिखना, when object falls from top to bottom. And g का वैल्यू नेगेटिव, 9.8 लेना. लेकिन g का वैल्यू नेगेटिव कब यूज करोगे, द स्पीड क्या होता है, ऊपर जाती है, डिक्रीज. जैसे आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल को जब ऊपर फेंकोगे तो स्पीड क्या होएगा, स्लो होते रहेगा ना, एक पॉइंट के बाद रुक के वापस नीचे गिरने स्टार्ट होएगा. ठीक है, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, ये जैसे नोट करके लिखना, ये आपको सम्स में काम आएगा. हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर पूरा सम्स से रिलेटेड होने वाला है. चलो, ये एनर्जी से रिलेटेड हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे हेडिंग डालना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. चलो कैमरा ऑन करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. हेलो सर, एक बार वो पिछला स्लाइड दिखा सकते, जस्ट एक सेकंड लिख. Law of conservation of momentum. चलो next part पे आते, that is law of conservation of momentum. अब याद रखना, during collision, ये important है, during collision
इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग जीरो है, इज जीरो, याद रखना क्या कंजर्व्ड रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा. तो आप इसको कैसे लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा, या फिर टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये इक्वल टू रहेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम, फिर इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन इसको एक फॉर्म से हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लिखो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड from one form to another. कि जैसे कि एग्जाम्पल में देता हूं, आपका कार का बैटरी, कार में कौन सा, देखो बैटरी में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड रहेगा, बैटरी में हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी रहेगा, केमिकल एनर्जी. ये केमिकल एनर्जी क्या करेगा, कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपके कार के लिए, इलेक्ट्रिक, कार चालू करने के लिए, इग्निशन के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए. फिर कार मूव होएगा तो कौन सा एनर्जी रहेगा उसमें, दो टाइप का एनर्जी रहेगा, एक तो काइनेटिक रहेगा, बरोबर बोला, ठीक है, मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा कार में. कार के इंजन में क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, हीट, वेरी गुड, कार के इंजन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा. तो ये सब है, याद रखना, कोई भी चीज डिफरेंट फॉर्म के इसमें क्या होता है, कन्वर्ट होते रहे. ये हो गया लॉ ऑफ, अभी तक कैमरा चालू करना, हो गया, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया. अब छोटे छोटे पार्ट्स बचते हैं, तो अभी हम लोग वो कवर अप करेंगे. यहां तक हो गया सबका, अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले एक सर्कल है क्या, तो सर्कल के बारे में लिख सकते हो, इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग कितना साइड, इनफिनाइट साइड, लिख सकते हो, इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग इनफाइनाइट साइड्स.
इसमें लिख सकते हो और एक इसका पार्ट लिख सकते हो, डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली. डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली. नंदिनी कैमरा ऑन करना. एट ईच पॉइंट. जैसे डायग्राम बना के रखना. यहां पे आप लिख सकते हो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या रहेगा. अगर आप नोटिस करोगे तो ये हर पॉइंट पे इट इज गोइंग टू बी ये हो गया, हर पॉइंट पे डिफरेंट है. ये अंदर खींचने वाला फोर्स. तो आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. Is perpendicular to the radius. ये बहुत important है. इन दोनों के बीच का angle कितना रहेगा? 90 degree. ये फिर है next, that is acceleration. तो तीन type का acceleration है. सबसे फर्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है, तो जीरो एक्सेलरेशन में तो फर्स्ट आप करते हैं ना. अरे मैं सब मिक्स करके बता रहा हूं ताकि आपको एक साथ सारा पढ़ के हो जाएगा. आपका सब इंपॉर्टेंस कितना है उसके हिसाब से बता. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लिख. Speed of object does not change. Speed of object does not change. Second is negative acceleration. इसमें क्या होता है? Speed of object डिक्रीजेस. इसमें क्या रहेगा? मोशन. ठीक है, ये मोशन का डायरेक्शन है. किधर जा रहा है मोशन? राइट के तरफ. एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? एक दूसरे से ऑपोजिट. आदित्य कैमरा ऑन करना. आदित्य और जिया प्रिंस. थर्ड है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होएगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. यहां पे एक्सेलरेशन एंड मोशन दोनों का डायरेक्शन क्या रहने वाला है? सेम. फिर इसमें और दो टाइप है एक्चुअली, वो भी मैं समझा देता हूं. एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसमें लिखो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम और नॉन यूनिफॉर्म लिखो unequal changes in velocity. ये लिखे जस्ट ये तो इसका
ये पूरा एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने सब कवर अप कर लिया। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी करेंगे। क्या तो हो गया सबका? हाँ सर। सर हाँ बोलो। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी के बाद कुछ नहीं है ना? हाँ, इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इक्वल टाइम में लिख सकते, लेकिन मेन क्या है, अनइक्वल चेंजेस, ये इम्पोर्टेंट है, वो वर्डिंग्स याद रख। सर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग डालो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन, तो उसका स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम। यहां पे एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, एक्सेलरेशन रहेगा जीरो, नो एक्सेलरेशन लिख सकते हो, नो एक्सेलरेशन। फिर सेकेंड है जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ में पहले चीज स्पीड डिफरेंट रहेगा, वेलोसिटी भी डिफरेंट, स्पीड डिफरेंट रहने के वजह से डायरेक्शन चेंज होएगा, या फिर डायरेक्शन डिफरेंट लिखना, मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट रहेगा, इसके वजह से एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा। तो नेक्स्ट है सर्कुलर में। सर्कुलर में स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी चेंजेस। स्पीड कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर सेम लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आपको पता है हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या रहने वाला है, डिफरेंट, तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे जीरो एक्सेलरेशन रहता है, जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मीटिंग खत्म हुआ तो एक 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो 7:30 तक, फिर उसके बाद हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स है उसका डिस्कशन करेंगे। तो जो भी फॉर्मूलाज दिए है ना वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जो भी फॉर्मूलाज दिए थे ना पहले वो जस्ट एक बार पढ़ लो, कि हम लोग फेसबुक के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। सर, आनंद सर का लेक्चर वो 8 o'clock के बाद होगा ना? 8 o'clock के बाद।